सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या दुरूदे पाक तो पता लगना है, वसल्लम अलैका या हबीब जियो। ये बात है अल्लाह मेरा आज वजू तेरे लिए है। एक शेर हम्द का, अल्लाह मेरा आज वजू तेरे लिए है, अल्लाह मेरा जियो आज वजू तेरे लिए है, वजू तेरे लिए है, हर काम तहारत का शुरू तेरे लिए, हर काम तहारत का शुरू तेरे लिए है, अल्लाह मेरा आज वजू तेरे लिए। अल्लाह मेरा आज वजू तेरे लिए है, हर काम तहारत का शुरू तेरे लिए है। नियत करना इस नमाज दी, नमाज पढ़ना वास्ते अल्लाह ताला दे। बंदा हाथ इंज करके जो हाथ इंज बन रहा है, इतने शेर सुनावने ते थोड़ी जेन दी सोच पढ़नी तुसी कितने खले हो। नियत ना हो गर साफ तो फिर कैसी नमाजे। नियत ना होगर साफ तो फिर कैसी नमाजे, मेरा तो ये सब खुशो खुजू तेरे लिए है, मेरा तो ये सब खुशो खुजू तेरे लिए है, अल्लाह मेरा आज वजू तेरे लिए है। मिंबर पे जो बैठा हूँ तो ये तेरा करम है, तेरा करम है, है, है। मिंबर पे जो बैठा हूँ तो ये तेरा करम है, हाकिम ने जो छेड़ा मौजू तेरे लिए है, हाकिम ने जो छेड़ा है मौजू तेरे लिए है, अल्लाह मेरा आज वजू तेरे लिए। हम्द हो गई, अल्लाह की हम्द हो गई। एक शेर या दो शेर उस जात नु पढ़ना है जिन्हें बारे मुस्तफा ने फरमाया मैं इलम दा शहर हूं। अली ओ दा दरवाजा, ना 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 दाद नु उड़ीकना नहीं, ना इंतजार करना है। बंदा नु अली दा नाम लवे ते मुड़ पिंदा वदा होवे विदा दियो।
जिंदा लगता है अली ओ सुभान अल्लाह बोले, जिंदा लगता ना की बोले बेचारे सुभान अल्लाह। मुलाजम भाई मैं एक गल कहना चाहना, हूँ बिल्कुल इलेक्शन थोड़ा मैं आया इतने मैनू भाई अली हसन ने कहा भी पानी पी के जाने में बैठा रहे, तो मैं गल समझाना चाहना। तो वो जिस जिस तरह कोई क्योंकि थोड़ी इलेक्शन होना थोड़ी सतारा गल बन हो रहा है, जेडे बंदे नॉन लीग के सपोर्टर हैं कुछ लोग पी टी आई जो भी है, मैं सिर्फ मिसाल देना चाहना भाई अगर तू बैठा में नॉन लीग आले कोल उसी आखना भाई जी दुआ करी भी नॉन लीग जित जाए, तू आखना भाई दुआ करी पी टी आई जित जाए, जे तू जिन्हें तेन आखे नॉन लीग जित जाए जो उनके कोल बह के तू आखे शाला पी टी आई जित जाए तो उस तेन से नाराज ही होना भी तू मैं तेन दुआ आखी कि तू कि मंगता पे, जे बंदा आखे पी टी आई को इंशाला नॉन लीग जित जाए तो उस गुस्सा कर रहा है। सोचो सही तू जिस भी कैंडिडेट का सपोर्टर है तू अगर उनके खिलाफ दुआ करें तो नाराज हो जाता है, सोच सही। जो बंदा अली का सपोर्टर ही ना हो उस अली नु की दा देनी, जो अली का वोटर ही नहीं है जो अली ने वोट पा सकता ही नहीं ना उनका अली लैना है, हालांकि अली एडा सखी है एडा शहनशाह है, उनका डेरा इतनी जागीर ही उतनी अली दी है, फरीद आंदा है दाता साहब आंदा है बाऊ सुल्तान आंदा है गुलड़े वाला आंदा है, केड़ा केड़ा अली का डेरा बंद कर अली को छोटी जागीर दा नाम तो लिहाजा दा दे दी करो अली दे नाम ते पता लगे भी सारे हलाली खून बैठे माशाल्लाह। नबी तो नाद देना तो बहुत बात की गल है, मैं थोड़ा जि शेर सुनावा अली का ते वध थोड़ा ज़हन पढ़ना है, मैं जल्दी ना गुजरता पे अपनी मंजिल के करीब जा रहा हाले भाई हशर जियो होना आखरी सवाल हशर जियो होना आखरी सवाल चेहरा देखना जरा किन्ने किन्ने प्यार कीता दसो अली हले हशर जियो होना आखरी सवा हले किन्ने किन्ने हाथों चुके गया जड़ा जड़ा किन्ने किन्ने ज़्यादा चाहता है किन्ने किन्ने प्यार कीता दसो अलीना दसो अलीना दसो अलीना रे हशर जियो होना हशर च इयो होना आखिरी सवाल है। कैसी गल है कुर्बानी नेड़े है तो कुर्बानी दे सकते हो, कुर्बानी नेड़े है तो कुर्बानी दे सकते हो, अगर दे सकने पर लेकिन हम शेर वो समझेगा जो कुर्बानी देने वास्ते तैयार बैठा है। हाँ दुखाया ते दरे दा तो अली ने बचा लिया, अली ने बचा चलिया सदोज़ खानू अली ने छुड़ा लिया, अली ने छुड़ा लिया हाकिम किन्ना तेरा अली नू खया हले किले किले किन्ने किन्ने प्यार कीता नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी क्या बात है किन्ने किन्ने प्यार कीता दसो अली ना हले हशर जियो साढ़े बड़े मुल्क के बड़े नकीब सन बड़े बड़े ना उन्हें अख्तर सदीदी साहब मैनू याद है हड़प्पे महफल हो रही हो
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾਥ ਖਾਂ ਪੜਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਆਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰੀਲੇ ਨਾਥ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆਈ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੌਂਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਕਿ ਟੁਰ ਗਏ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸੁਰੀਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੌਂਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵੜੇ ਹੁਣ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਮੇਰਾ ਮਲੰਗ ਪੜਾ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ੌਕ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ੌਕ ਲਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੌਂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦਾ ਲਿਸਟ ਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੇ ਉਹ ਫਰਮਾਓ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੈਸਾ ਨਾਥ ਖਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਈਂ ਸ਼ੇਰ ਮਲੰਗ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਮਦੀ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਹ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੂਹ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਨਾ ਖਾਨ ਦੇ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਆਇਓ ਜਿਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਸਕੀਨ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰੀਲਾ ਪੜੇਗਾ ਬੌਂਗਾ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੀਰ ਨਾਸਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਸਰ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜਾ ਨਾਥ ਖਾਂ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਸਾਨੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਅਜੀਬ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਐਡੇ ਬੌਂਗੇ ਕੀ ਬੰਦੇ ਪੜਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸੁਰ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਸਮੇਤ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਵੜਦਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਯਾਰ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕੰਮ ਅਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆ ਸਕਦਾ ਜੁੱਤੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਤਕੱਦਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਸੈਲਾਬ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੈਲਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਪਾਣੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਬਣਦਾ ਜੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੈਲਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਐਸੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਹਸਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਟ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸੈਲਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੈਲਾਬ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਗਿਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਆਕਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਕ ਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ ਬਚ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਲ ਆਉਂਦੇ ਤੇਰੀ ਨਾਤ ਸੁਣੇ ਦਿਆਂ ਨਿਭਜਾ ਜੋ ਬਚ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਤ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਨਿਭਜਾ ਇੱਕ ਨਾਥੀ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਹਾਂ ਜੋ ਬਚ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਰੀ ਨਾਤ ਸੁਣੇ ਦਿਆਂ ਨਿਭਜਾਵੀ ਸ਼ਾਲਾ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਦਿਆਂ ਨਿਭਜਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਹੱਥ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਲਾ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਦਿਆਂ ਨਿਭਜਾ ਸ਼ਾਲਾ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਦਿਆਂ ਨਿਭਜਾ ਸ਼ਾਲਾ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਦਿਆਂ ਨਿਭਜਾਵੇ ਅਸਲੈਨ ਬੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਖੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਧਿਆਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਥ ਸੁਣੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ ਨਿਭ ਜਾਏ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਹਸਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਭ ਜਾਏ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਬਰੀਲ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਬਰੀਲ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੇਰਾਜ ਦੀ ਰਾਤ ਨਬੀ ਦੇ ਕਦਮੈਨ 'ਤੇ ਹੋਂਠ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਬਰਾਈਲ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਮਨ ਮੋਣੇ ਕਿ ਜਬਰਾਈਲ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਮਨ ਮੋਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਿੱਖ ਹੈ ਅਰਬੀ
जन्मया तेरे पैर चुमे ध्यान बजा इको सिख है जन्मया तेरे पैर चुमे ध्यान बजा शाला हसन हुसैन भाई सैन कहते शे दोबारा पढ़िया जाए थोड़ा की वोट है हिस्सा दोबारा शामिल होना के या जिब्राइल ने सोने नू उस सोने ते मन मोने नू इको सिख है अरबी जन्मया तेरे पैर चुमे ध्यान बजा इको सिख है अरबी जन्मया तेरे पैर चुमे ध्यान बजावे थोड़े से शेर आया इन्हों की समान में सुनी मुबारक होवे रात तीन का टाइम तो है कम अज कम उत्ते होना है सवा तीन का टाइम है थर्ड हिस्से सवा तीन बजे एक शेर आया वो केड़ा है हाँ हाँ अली आखिया असर में वारी है तेरी जात जो ढेर प्यारी तेरी जात जो ढेर प्यारी है मेरी गोद च मेरी झोली विच तेरा सर होवे तेनू यार समे ध्यान बजा मेरी झोली विच तेरा सर होवे तेनू यार समे ध्यान निब जावे इस शेर ते मैं भी सवाल लगवांगा तीसरा जल्दी ना एक वो बीबी जानदे हो जिहड़ी बीबी फातिमा पाक दे घर खादमा है जिहदा नाम बीबी फिजा है हुण बीबी फिजा दी खाए सुनी ताले भाई तेरे घर विच जहरा रानिया तेरे घर विच जहरा रानिया तेरे घर विच जहरा रानिया ओ रानिया तेरे घर विच जहरा तेरे घर विच जारा रानिया मैं फिजाए ओ चानिया मेरी झोली मेरी गोद च हसन हुसैन होमन तेरे लाल खड़े ध्यान बजा मेरी गोद च हसन हुसैन होमन तेरे लाल खड़े ध्यान बजा कुर्सी कुर्सी भाई नु उत्ते बिठा दियो भाई तुसी कुर्सी ते हो जाओ नहीं नहीं इजी हो जाओ तेरे लाल खड़े ने ने बजावे पूरी रात दी सुभान अल्लाह एक पासे ऐशर ते बोलना सुभान अल्लाह एक पासे के पाक हुसैन ने ना ना ए मैं शेर नवी दाखिल करना पे के पाक हुसैन ने नाना सच्चा ते दे नाल है याराना भावे कूफा ते भावे शाम होवे पैरा दीन दा दे ध्यान बजा भावे कूफा ते भावे शाम होवे पैरा दीन दा दे ध्यान जिन्हों हुसैन का पैरा पसंद आया जिन्हों नबी दे नवासे का पैरा पसंद है के या पाक हुसैन ने नाना सच्चा ते दे नाल है याराना भावे कूफा ते भावे शाम होवे पैरा दीन दा दे ध्यान बजावे कारी साहब मैं इस तो बाद मेरे कुल टोटल जेड़े ना उस सत अशार ने जिन्हें तवाफ भाई कहते तवाफ गिने जाते हैं पर तोले ना पिछ नहीं गिने जाते हैं मैं सात अशार पढ़ने टोटल के या पाक सती कनेगार होवे एक मैं हुआ दूजा यार हाय 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 जरा सुबाना ना बोले बंदा पूरी महफिल आया ही नहीं के पाक सदी कनेगार होवे एक मैं होवा दूजा यार होवे
सप डंग मारे पावे लखवारी डंग यार जले दे सप डंग मारे पावे लखवारी डंग यार जले दया निबजावे शाला हसन हुसैन दे नाने दी गल बात करे दया निबजावे के पाक सदी किने गार होवे एक मैं हुआ दूजा यार होवे ना ना सुभान अल्लाह एक हाथ सदीक अकबर दी अजमत वास्ते एक उदे यार दी अजमत वास्ते किया पाक सदी किने गार होवे एक मैं हुआ दूजा यार होवे सब डंग मारे बावे लखवारी डंग यार जले दया निबजा मकता सुना दरा वल्लैल दा मुख ते सिराए वल फजर दा हाकिम चेराए तेरे हुसन नु वेखण लिया का कुरान खुले दया निबजा तेरे हुसन नु वेखण लई आका कुरान खुलेंदिया निब जावे हजरत वाला मैं सत अशार दी हाजिरी च खड़ा दो शेर में शामिल करदा पिया एक शेर अम्मा हलीमा दा एक शेर भी हुजूर दी नाद दा ही है बाकी मेरे को पांच शेर रह जासन एक दो तीन चार पांच ते पांच दा मतलब पांच है सिर्फ दो शेर मेरे को इजाफी ने इस वास्ते कि मैं पहुंचना है पांच तन तक नबी दे जेड़े भी होबदार होंदे नबी दे जेड़े भी होबदार होंदे ओही जन्नत दे सही हकदार होंदे ओही जन्नत दे सही हक दार होंदे एक बार फिर थोड़ी बारी है ओही जन्नत दे सही हकदार होंदे दाद में बंदे नु खड़े भी कर ला मैं इस शेर चाहवा ते थोनू खड़ा कर लवा एडा वड्डा शेर है पर कद ओने उच्चा होंदा जेड़ा बंदा सरकार नु अंदरू झुकदा है हां फकत जहरा दे बचड़े ने जहाते मोहम्मद ते जेड़े असवार होंद नारा रिसालत नारा हैदरी दोबारा पढ़ो फकत जहरा दे बचड़े ने जहां ते मोहम्मद ते जेड़े असवार होंदे मोहम्मद ते जेड़े होबदार होंदे नबी दे जेड़े भी हुबदार होंदे वारी थाड़ी आई ते मैं सतवें चो छेवां हुण शेर पढ़दा फिर बाकी पंज रह गए तू नमाज पढ़े ते तेरी जुत्ती दा ख्याल होंदा कि मेरी कोई जुत्ती ना चा लवे अली ओ जे रुकू च भी मुदरी उतरवा लैंदा तू पिछा आके मेरी जुत्ती ना कोई चा लवे अली रुकू पे जावे ते मंगता उंगली नु हाथ पा देवे थोड़ी सुभान अल्लाह तेनु अदा पसंद नहीं आई आज मेरे वर अंदर देखना इंज अंगूठी हाथ थे मंगते नु लोड़ है ओने हाथ उंगली नु पा दीता रुकू विच ते अली भी उंगली सख्त नहीं कीती ओए ढिल्ली कर छड़ भी ला लवे एडा सखी अली यार सुभान अल्लाह तक आया ਹੋਵੇਂ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਤੇ ਕੰਜੂਸੀਆਂ ਕਰ ਜਾਵੇਂ ਸਜਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਤੋਂ ਉਹ ਝੱਲਿਆ ਕਦ ਇੱਥੋਂ
उजले आप कद इनकार होद नबी दे जेड़वी होब दार हो दिल नबी दे जेड़वी होब दार हो दिल पांच अशार दी हाजरी गिणदे आना हजरात वे एक शेर सरकार दे उस पाक बेटी का जिक्र करना है एक हुसैन का करना है एक मौला हसन का करना है तीन शेर हो गए एक अब्बास पढ़ना है ते पंजवा शेर उस तरह दरवाजे निकल जाना है जी मैं पढ़ सा अब्बास ना पढ़िए ते प्यास नहीं मुकदी हजरात अब्बास सुन तक कौन कौन जा सकता है वाह एक गल करा वैसे महसूस ना करना बंदे सुनन आए ना बड़ी दूर दूर भाई के फरमा रहे ने भाई डेरा इस्माइल खान तो रहीम यार खान दी पूरी पट्टी दोस्त अब्बाब आए ने जेड़े ओ आए ने जेड़े रसूल दी शफकत नाल प्यार कर दिया नहीं समझ तो ओ ही शफकत दा फैज जा रही है जो शफकत का फैज हो जाए भी असा शफकत का हाथ रखे है हजरात मैं किबला अलामा साहब भाई मुलाजम साहब डोगर साहब की मुहब्बत की नजर कल करना चाहना कल कोई ऐसा बंदा आ जाए कि आकम साहब मैं कल ए गल का थोड़े ते फैसला ते परे पंचायत करनी है तो मैं कहूँ जी मैं तो लाहौर जा रहा तो जिड़ी गल भाई मुलाजम साहब मुका दे समझो मैं कह छी बई उन्होंने मिल लेना मैं घर नहीं होना तो जी गल मुलाजम कर दे समझो मैं कर छी तो वह फैसला हो गया ये मैं मकाम दे चलिया उन्होंने सोचो सही ही हुसैन नो मिनी व आना मिनल हुसैन का मतलब क्या है रसूल फरमा गए जे मैं ना भी बैठा होव जो गल हुसैन कह छे समझो मैं कह छी मेरे तो हुसैन दे मनसबे ही गल कि मैं नबी हाँ बस नबी कोई नहीं पर हुसैन बैठा होवे तो कोई गल हुसैन फरमा छे तो मैं भी समझो फरमा छी तो हूँ मैं हुसैन की माँ का जिक्र उदों करना जो मैं अली तक पहुँच गया मैं इस जोड़ी नूं कदी फोड़िया नहीं जिक्र बिल्कुल जहरा उत्थे जाके करांगा जिथे अली का जिक्र नेड़े हो गया तो मैं पांच शेर की हाजरी देनी है मैनू इन्होंने बड़ा प्यार दिता है डिडू प्यार देंदे ने अंदरू प्यार देंदे ने ते प्यार कबूल ही होता जो अंदरों किया जाए रोमण नैन मुकदरा ते ओ रोमण नैन मुकदरा ते जेड़े नैन हुसैन ले रोए नहीं ओ रोण नैन मुकदरा ते ओ नो ओ रोण नैन मुकदरा ते जेड़े नैन हुसैन ले रोए नहीं बे नूर उना दे मुख होने जिन्ना नाले हिंजू दे धोए नहीं ओ बेनूर उना दे मुख होने जेड़े नौकर पाक रसूल दे नहीं जेड़े मंगते पाक बतूल दे नहीं बड़ा गौर से तलब शेर है जेड़े मंगते पाक रसूल दे नहीं जेड़े नौकर पाक बतूल दे नहीं जिन्ना जैनब पा
पाक दे वीरां लई जुआ दे हार परोए नहीं जिन ज़ैनब पाक दे वीरां लई जुआ दे हार परोए नहीं ओ रोवण ने मुकदे राते साडा रहबर साडा हाकिम रहबर हैदर है साडा पीर ओ फाते खैबर वाह साडा हाकिम रहबर हैदर है साडा पीर ओ फाते खैबर मगर अली दे टुर पिया साडी राह विच आवणे टोए नहीं असी मगर अली दे टुर पिया हां शेर अगर तेल मेरे को हजरात एक अब्बास दा है एक बीबी पाक दा है एक अली दा है जेड़े बंदे में दो कहते मैं अक्सर में वेख्या जो कहना भी ऐसे शेर रह गए कुछ बंदे ध्यान करते हैं भी मैं हूँ अपने साइकिल पर भी जाना मोटरसाइकिल पर भी जाना है हालांकि उन्होंने नहीं पता कि मैं जाना भी कि नहीं जाना जो तो सलाम करीब आ गया है इन्नी रात बहते हो पूरी रात बहते हो तो सलाम की बारी खिसकना शुरू हो जाते हो ना किता करो दुआ मांग के क्या करो आप पकड़े दूर खड़ा तेन शेर तो पकड़े लम्बा चौड़ा तो नहीं पढ़ना ना मैं पढ़े हाँ ملکہ کونین فاطمہ جو بی بی پاک کا غلام ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے ہاں ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ حسن تیرا پہلا لاڈلا हसन तेरा पहला लाडला दूसरा हुसैन फातिमा नबी दे दिल दा चैन फातिमा नबी दे दिल दा चैन फातिमा तेरे आन ते तेरी कसम पूरी रात आपने सुभान अल्लाह कही लेकिन बीबी के लिए मैं आपको जहमत दे रहा हूँ कि जरा गौर कीजिए तेरे ओण ते तेरी कसम तेरे ओण ते तेरी कसम मुस्तफा न बैन फातिमा नबी दे दिल दा चैन फातिमा मुस्तफा नबैन फातिमा नबी दे दिल दा चैन फातिमा नबी दे दिल दा चैन फातिमा नबी दे दिल चैन फातिमा सरकार दी पाक बेटी का जिक्र होया मैं दुआ कर रहा अल्लाह पाक इस पाक बेटी का सदका अल्लाह कारी साहब की कब्र ते करोड़ रहमत दा नज़ूल फरमाए क्योंकि दुआ अगर कबूल ना होंदी होवे ते साडे उलमा फरमांदे ने कि इस पाक बीबी का वास्ता दिता जाए तो अल्लाह मन जांदा है। हजरात मैं अक्सर मौला अब्बास पढ़ता पाया है दिल जे दिल है तो मैं अकबास पढ़ना
हाय दिल आदाए चल जश्न मना अब्बास अली घर आया। हाथ उठावे जिन्हों अब्बास दे आने दी खुशी है। हाँ दिल आदाए हाथ लहरा के चल जश्न मना अब्बास अली घर आया है। जिन्हों मंगया सी कदी जहरा ने ओ खास अली घर आया। दिल आदाए चल जश्न मना अब्बास अली घर आया है। ना इना दा शेर है ना इना दा शेर है अब्बास समझे ते पिक्चर सुनना। जीवें अखां अली ने सी नबी उत्ते खोलिया इवें अखां गाजी ने अली उत्ते जड़ा महरम है वजहुल्ला दा ओ शनास अली घर आया। जड़ा महरम है वजहुल्ला दा ओ शनास अली घर आया। दिल आदाए चल जश्न मना फिर पढ़ा बेचैन हो चलो। अली जदो आए थानू याद है कि अली भी अखा नहीं खुलदा जब तक मुस्तफा ना आ जान। ए मैं अब्बास दी आमद पढ़दा पिया। अब्बास भी अखा नहीं पे खुलदा जब तक मुर्तजा नहीं आ रहे। जीवें अखा अली ने सी नबी उत्ते खोलिया इवें अखा गाजी ने अली उत्ते खोलिया। ओ जेड़ा महरम है वजहुल्ला दा ओ शनास अली घर आया। दिल आदाए चल जश्न मना अब्बास अली घर आया। गो के चंद दी शुरुआत है पूरा चंद आसमान ते नहीं पर तुहानू कसम है जिंदा जिक्र सुनते पे हो एदी कसम है। एक शेर सुनना जरा इस तो बाद आखिरी शेर है। चन पूरा होंदा ते गल समझ आ जांदी। ओ चन है कमर है कमर कहते हैं चांद को। जो मैं पढ़ रहा हूँ इसको हुसैन के घर वाले कमरे बनी हाशम कहते हैं। वाह कोई है बैठा और सुनने वाला तो मैं सुनावा। कमरे बनी हाशम कहते हैं इसे हुसैन के घर वाले। हजरत अली के घर वाले इसे कमरे बनी हाशम कहते हैं। कमरे बनी हाशम हुसैन बेटा कमरे बनी हाशम यानी हाशमी घराने का चांद। हुण दा गौर ओ लवेगा जिहनूं चंद समझ आ गई है। एक आसमान ते चंद चमकदा इहनूं भी कमर कहिंदे ने ते इह अब्बास दा नाम भी इहदा लकब है कमरे बनी हाशम हाशमिया दा चंद। हजरात मां दा नाम उम्मुल बनीन अब्बास दी मां दा नाम उम्मुल बनीन। मैं बे किड़ी गल कर गया शायद तेन हुसैन दे करबला दे वेड़े च वसदा अब्बास नजर नहीं आ रहा शायद। कदी जावे करबला अल्लाह करे तेन ज़ियारत नसीब होवे सारे आखो आमीन जिन्हें समझ आई होवे। एक पासे हुसैन दा रोजा है ओडा ही वड्डा हरम अब्बास दा वड्डा है। यानी कि आखिर कोई एडी वड्डी है हस्ती जिहड़ी नाल हुसैन दे खड़ी है जी थानू समझ आए कदी। उम्मुल बनीन सिंह रखना ए हजूर की मां दा नाम यानी अब्बास की मां दा नाम ते चन है इहदा मन कमरे बनी हाशम हाशमी घराने दा चन आया है। हाँ हिक चन फलका दा हिक है जमीन दा ओ चन चन वेखे उम्मुल बनी बुझावण चन खुद नैना दी अज प्यास अली घर आया। ओ बुझावण चन खुद नैना दी अज प्यास अली घर आया। दिल आदाए चल जश्न मना
عباس علی گھر آیا ہے. اللہ سلامت رکھے میری حاضری دا آخری شعر, لیکن میں اپنی حاکمیت نو دا اختیار استعمال کر دیا. ایک مطلع ضرور پڑھ سا کافی دا. ایک علی پڑھ رہا ہوں پر علی میں حجر نہیں پڑھنا. میں علی دا ایک شعر سنبھال کے رکھے ہوئے. ایک مطلع پڑھ سا کافی دا. کافی خبر ہے دور
دے نیڑے دی پیشوں والیا رونق ویڑے دی سانو سکھ ہے جھو رونق میں کافی دک شیر پڑھنا ہے ایک درد ہے اللہ تعالیٰ عشق سلامت رکھے میرا پیغام ہے میں اپنے وعدے تے کھڑا آخری شیر ہے ولی سارے ہاتھ چکنا پینا ہے بازی حسین لے گیا کہندے نے نبی سارے کہندے نے ولی سارے ہاتھ پانچ سیکنڈ اٹھانا پینا ہے جنہوں نے پتا ہے حسین بازی لے گیا کہندے نبی سارے کہندے ولی سارے حرامیاں شکر حسین دیاں پہ گیا کہندے نبی سارے شکر حسین والا حاکم حسین والا پٹا میرے گل پہ گیا آخری باری ہاتھ اٹھانا ہے بازی حسین